इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 2 स्मृति भाग 2, जिसमें हम पढ़ रहे थे कि बड़ा भाई कुएं में जाने लगा नीचे, धोती के सिरे को पकड़कर, धोती को पकड़कर। कुएं के धरातल में बड़ा भाई कौन था? श्रीराम शर्मा। तो कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा होगा, 4-5 गज ऊपर, 4-5 हाथ ऊपर, तब ध्यान से नीचे को देखा, अकल चकरा गई। सांप फन फैलाए धरातल पर बैठा हुआ था, मतलब फन फैलाए धरातल से एक हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था कि आजा, मैं तुम्हें तुम्हारा स्वागत करता हूं। पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था, पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था, आधा अग्रभाग मतलब आधा शरीर ऊपर उठा हुआ मेरे प्रतीक्षा कर रहा था, मेरा इंतजार कर रहा था। नीचे डंडा बांधा था कि नीचे से उसको खोल लूंगा। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, जब उतरते थे तो इधर उधर हिलता था, उसी के कारण शायद उसे उतरते देख सांप धातक चोट के आसन पर बैठ गया, मतलब चोट मारने के आसन पर, डसने के आसन पर बैठ गया। सपेरे जैसा बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा हो जाता है, फुफकार मार मार कर चोट करता है। ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था कि आ जाओ हम मारेंगे उसका प्रतिद्वंदी। मैं उसे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था, मतलब उससे लड़ने वाला हम प्रतिद्वंदी, मैं उससे ऊपर ही थोड़ा सा था। धोती डेंगे से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच, मतलब डेंगी से बांध कर गए थे बीचों बीच, तो बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि, मतलब जमीन उसका सतह के बीचों बीच ही उतरना था। इसके मानने थे सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं दूरी पर बैठा रखा, मतलब वहां पे, फिर से देखो, सांप से 1.5-2 फुट गज मतलब 1-2 हाथ नहीं कि दूरी पर पैर रखना इनका, मतलब सोच कर गए थे। और इतना दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट मार देता। स्मरण रहे कि कच्चे कुएं का व्याख्यास बहुत, मतलब उसका दीवाल व्यास बहुत कम होता है, जगह उसका मजबूती भी बहुत कम होता है, नीचे तो वह 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं, नीचे 1.5 गज से बेसी अधिक होता ही नहीं, नीचे का उसका जगह बहुत कम होता है, तो हम उसको मार तो सकते नहीं। ऐसे दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह रहा था और रह चुका था, वह भी उस दिशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता, सांप मुझसे दूर रहना चाहता था, पर उतरना तो था ही कुएं के बीचों बीच, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटका हुआ था, बीचों बीच लटक रहा था, क्योंकि वो जिस धोती से लटक रहे थे वो बीचों बीच था। ऊपर से लटक कर को तो सांप को नहीं मारा जा सकता, क्योंकि रस्सी के बल से ये समझ में भी नहीं आएगा कितना चोट लगा। उतरना तो था ही, थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था कि हम पीठ दिखा कर भाग जाएंगे, यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था। धीरे धीरे उतरने लगा, उतरा 1-1 इंच। ज्यों ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था त्यों त्यों मेरा एकाग्रचित्तता, मतलब अपनी क्या होती है, 3 नंबर देखो नीचे, स्थिर मतलब ध्यान, एकाग्र चित्तता मतलब उनका ध्यान बढ़ती जा रही थी कि वो सांप यहीं पर है। मुझे एक उपाय सूझी, मतलब एक उपाय सूझी, तरीका इनको लगा। दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं के बगल में लगा दिया, मतलब हाथ पकड़े हुए कुएं के बगल में दोनों पैर लगा दिया। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी वहां से नीचे गिरी और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा, उस पर डस लिया, मेरे पैर भी दीवार से हट गए
और मेरी टांगे कमर से समकोण बनती गई, और कमर से मेरी टांगे घूम गई, समकोण बनती गई, लटक रही थी, और मैं पैर हटाकर लटकने लगा। तब इससे सांप से दूरी और कुएं के परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया। तनिक सूझ कर, मतलब तनिक समझ कर, मैंने सोच समझ कर मैंने अपने पैर कुएं के बगल में सटाए और कुछ धक्के लगाकर अपने प्रतिद्वंदी के सम्मुख कुएं की दूसरी ओर डेढ़ गज मतलब क्या, 1 से 1.5 मीटर, 1 से 1.5 मीटर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आकर नीचे आंख चार हुई, मतलब बड़ा बड़ा आंख करके देखना पड़ता था, क्योंकि रात का समय में किस तरह लोग आंख बड़ा बड़ा करके देखते हैं, शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा का मतलब क्या होता है, नीचे देखिए, चक्षुश्रवा आंखों से सुनने वाला, तो चक्षुश्रवा कहते हैं सांप को। आंखों से वो सुन सकता है, आंखों से सूंघ सकता है, आंखों से देख सकता है। मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था, मेरा भी वही हाल था, मैं भी आंखों से ही सुन रहा था उस समय। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो, ऐसा प्रतीत होता था उस समय। सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि सांप फन तो नहीं मारेगा ना, डसेगा नहीं ना, कि वह कब किस ओर से आक्रमण करता है। सांप ने मोहनी सी डाल दी थी, क्या डाल दी थी, मोहनी सी डाल दी थी, शायद वह मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था कि मैं आक्रमण करूंगा तो ही वह आक्रमण करेगा। पर इस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी, वह तो मतलब जिस कारण से मैंने कुएं में घुसा कि नीचे उतरते सांप को मार देंगे, फिर उसके बाद से ही चिट्ठी उठाकर ऊपर आएंगे, लेकिन वो तो नहीं हो पाया, वह तो आकाश कुसुम था, बस ऊपर ऊपर की बात। मनुष्य का अनुमान, भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है, मतलब कितने गलत और उल्टा निकल जाता है उनका सोच, उनका चाल। मुझे सांप का साक्षात होते ही अपनी योजना और आशा के असंभवता प्रतीत हुई, मतलब सांप को सामने पाते ही मेरा सारा योजना धराशायी हो गया, असंभव सा लगने लगा। डंडा चलाने के लिए स्थान ही न था, जब तक स्थान नहीं होगा डंडा चलेगा कैसे, लाठी या डंडा चलाने के लिए काफी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सकते हैं, तभी उसको मारा भी जा सकता है, सांप को डंडे से बचाया जा सकता है, पर ऐसा करना मानो तोप के मुहरे पर खड़ा होना है। अगर सांप को डंडे से दबाकर मारा जाए, मतलब तोप के मुंह पर खड़े होने पर जिस तरह लगता है ना कि गोला निकल कर दाग देगा, वैसे ही समझ में आता था उस समय। यदि यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा हो, यदि फन और उसके शरीर का भाग न दबा हो तो फिर वह पलट कर जरूर काटता, अगर उसके समीप का भाग न दबा होता तो पलट कर फिर काटता। फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई दो चिट्ठियों को कैसे उठाता, अगर उसको दबाता भी तो उसके पास जो दो चिट्ठी थी उसको कैसे उठाता। दो चिट्ठियां उसके पास उससे सटी हुई पड़ी हुई थी, उसके पास ही था, और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठी लेने ही उतरा था, चिट्ठी लेकर ही जाऊंगा। हम दोनों अपने पैतरों, अपने चाल पर अड़े रहे, जैसा होगा देखा जाएगा। आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गया, साथ एक ही सामने खड़े थे, दोनों ओर से मोर्चे पर खड़े हुए थे, दोनों तैयार थे एक दूसरे से लड़ने के लिए, पर मेरा मोर्चा कमजोर था, कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़ कर कुचल कर मार देता, पर वह अचूक तरल विष, मतलब वो जहर मेरे शरीर में पहुंचा देता तो, और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता, खुद मरता मेरे को भी ले मरता। अब तक सांप ने वार नहीं किया था, इसलिए मैंने भी उस पर वार नहीं किया, डंडा से दबाने का ख्याल छोड़ दिया। ऐसा करना उचित भी था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियां कैसे उठाई जाए, चिट्ठी को कैसे लिया जाए। बस एक सूरत थी,
डंडा से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाए जाए, मतलब वहां से घिसकाए जाए, सरकाए जाए, अपने तरफ खींचा जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था। कुर्ता था, कुर्ता पहनकर गए थे, कुर्ता था और कोई कपड़ा न था, जिससे सांप के मुंह की ओर करके उसके फन को पकड़ लूं। कुर्ता के अलावा दूसरा कुछ तो था नहीं कि सांप की ओर मुंह करके, मतलब कपड़ा करके उसका फन पकड़ लूं सांप का। मरना, उसको मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये दो मार्ग थे। उसको मारो चाहे बिल्कुल छेड़खानी उसके साथ मत करो। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था, उसको मार नहीं सकता था, तो दूसरा मार्ग ही, मार्ग का सहारा ही लेना पड़ा। उसको बिना छेड़खानी किए वहां से अपना काम करके निकल जाने का काम था, वही मार्ग इनको सूझा। डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाई ओर परी चिट्ठी की ओर उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ, सांप पीछे अपना फन किया, धीरे 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 क्या हुआ, डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुफकार के साथ काली बिजली तरपी, मतलब वो फुफकार के साथ उस पर डस लिया और डेंगे पर गिरी, डेंगे पर गिर गई, हृदय में कंप हुआ, मतलब दिल कांपने लगा और हाथों ने आज्ञा ना मानी और डंडा हाथ से छूट गया। मैंने तो ना मालूम कितना ऊपर उछल गया जब वो फुफकार मारकर डंडा छोड़ दिए, तो फुफकार मारा मैं डंडा छोड़ा और कूदने लगा, जान बूझ कर नहीं, यो तो बिदकतर, मतलब डर के मारे उछल गया कि डस ना ले। उछल कर जो खड़ा हुआ तो देखा डंडा के सिर पर तीन चार स्थानों पर पावसा, पावसा मतलब एकदम पाव, पाव का कैसा होता है भूरा भूरा कलर का, तो पीब, यहाँ पर पीब है, पीब घाव से जो पीब निकलता है ना पीला पीला, तो पीब सा कुछ लगा हुआ था, वह विष था, वह जहर था। सांप न मानो अपनी शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था कि भाई देख मेरा जहर इतना ताकतवर है, पर मैं तो उसकी योग्यता पहले से ही जानता था, उसकी योग्यता के बारे में पहले से ही पता था, तो यह सर्टिफिकेट की क्या जरूरत थी, अपने पास रखता। सांप ने लगातार फूक फूक करके डंडे पर तीन चार चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, पहला बार उस डंडा को इतना अपमानित किया गया था कि उस पर चार पांच फूक सांप ने मार दिया, नहीं तो एक भी नहीं मारा था किसी ने, और कितने सांप उससे मर गए थे। यह शायद वह सांप का उपहास कर रहा था, उधर ऊपर फू फू और मेरे उछलने और फिर वही धमाके से, धमाका जो हुआ था नीचे, धमाके से खड़े होने से, जो ऊपर भाई जो था खड़े होने से छोटे भाई ने मुझ समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया है। छोटा भाई डर गया, बंधुता का नाता था, भाई भाई का नाता था, फू फू और धमाके के टूट गए, धमाके में टूट गया, फूफू का आवाज अलग से और लाठी गिरा तो धमाका का आवाज भी सुनाई दिया, इससे वो टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया, मेरे कष्ट और विरह के ख्याल में उसके कोमल हृदय, उसका कमजोर हृदय को, कितना मासूम हृदय होता है बच्चा का, मासूम हृदय को धक्का लगा। भ्राता स्नेह, मतलब भाई से प्रेम के ताने बाने को चोट लगी, मतलब जो भाई का स्नेह था उसके ताने बाने वह एहसास को चोट लगी, उसकी चीख निकल गई। छोटे भाई की आशंका बेजान थी, छोटे भाई का जो आशंका था, बेचैनी थी, वह बेजान थी, ज्यादा उसमें दिक्कत ना था क्योंकि हम जिंदा थे, पर उस फू और धमाके से, और फू के आवाज और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया, बहुत ज्यादा। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की, सब अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपक भी गया, सांप वार भी किया और डंडे से चिपक भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो नहीं, क्योंकि एक बार होता है बार बार नहीं होता है, हाथ से नहीं छूटा। सिसक सिसक कर क्या होता था, झिझक, छूटा तो नहीं लेकिन झिझक, सहम अथवा
आतंक से अपनी ओर खींच गया। और गुंजकन, गुंजकन का मतलब हो जाएगा एक नंबर है ना, गुत्थी या गांठ, गांठ मारता हुआ सांप, मतलब तो उसके डंडा के चारों तरफ घूमता हुआ सांप पिछला भाग मेरे हाथ से छू गया, और डंडा पे जब घूमने लगा हो तो उसका पूंछ मेरे हाथ से छू गया। उफ कितना ठंडा था, मतलब सांप नीचे बहुत ठंडा था। डंडे को मैंने एक और पटक दिया, यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछल कर मैं सांप पर गिरता, अगर दूसरा वार होता तो सांप पे गिरता, न बचता, बचने का कोई चांस नहीं था। लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल जाते हैं, जब जीवन बच जाता है तो हजारों ढंग निकलने के बचाए मिल सकते हैं। वह देवीय कृपा थी, भगवान की कृपा थी, डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे ओर सांप के आसन बदल गए। डंडा जब खींचा तो सांप का जगह बदल गया। मैंने तुरंत ही लिफाफा और पोस्टकार्ड चुन लिया, वहां से उठा लिया, चिट्ठियों को धोतियों के छोर में मतलब एक छोर में बांध दिया, और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। किसको? चिट्ठी को। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठ गया था डंडे पर। जीत तो मेरी हो चुकी थी पर अपमान निशान गांव चुका था, मतलब अपमान अपना निशान गंवा चुका था। कौन? जीत तो उसकी हो गई थी पर अपना निशान गंवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाकर सांप हाथ पर वार करता, मतलब आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर डस लेता, इसलिए कुएं के बगल से एक मिट्टी उठाई और लेकर मैंने उसकी दाई ओर फेंकी, वह उस पर झपटा और मैंने दूसरे हाथ से उसकी दाई बाई ओर से डंडा खींच लिया, पर बात की बात में उसने दूसरी ओर भी वार किया, तुरंत वार किया। यदि बीच में डंडा ना होता तो पैर में उसके दांत गड़ जाते और वो डस लिया होता मेरे को। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम नहीं था, केवल हाथों के सहारे पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना था, 36 फुट ऊपर चढ़ना था, मुझसे अप नहीं हो सकता था। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ, कम ही अधिक नहीं, पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट उतरा और 36 फुट चढ़ गया। बाहें भर गई थी, बाहें फूल गई, छाती फूल गई थी, धोकनी चल रही थी, धोकनी क्या, हाँफना, ऐसे ही जिस तरह लोग जोर जोर से हाँफते हैं, ये चल रहा था, पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल में ऊपर चढ़ गया। धीरे धीरे एक एक इंच करके मैं ऊपर चढ़ गया। यदि हाथ छूट जाता तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है कि हाथ छूटा तो बेटा गया तुम। ऊपर आकर बेहाल होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा, मतलब टेंशन फ्री होकर वहां पर पड़ा रहा, देह को झाड़ झूर कर धोती कुर्ता पहना, फिर किशनपुर के लड़के को जिसने, वहां पर एक किशनपुर का गांव था, तो किशनपुर के लड़के को जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, मतलब कुएं से निकल रहा था तो वो देख लिया था। ताकीद का मतलब होता है बार बार चेताने की क्रिया, ताकीद करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से कह ना दे, हम लोग आगे बढ़े ये सोच करके वो किसी से कहे ना। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन, मतलब मैट्रिक 10वीं की परीक्षा पास करके उपरांत यह घटना मैंने वहां माँ को सुनाई, 10वीं के परीक्षा देकर माँ को यह घटना सुनाई। सजल नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चे को डैने, मतलब अपने पंख के नीचे छिपा लेती है, वैसे ही माँ ने अपने आंचल से हमें छिपा लिया गोद में बिठाकर। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा था, और डंडे का शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। मतलब देखो यहाँ पर
लाइन में जो लिखा है, डंडा था डंडे का शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार करना राइफल के शिकार से कम रोचक नहीं था। जिस तरह राइफल से शिकार करते हैं हर चीज की, उस तरह सांप का शिकार लाठी से करना कोई कम रोचक वाली बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी वह। क्वेश्चन नंबर एक, भाई के बुलाने पर घर लौटते समय लेखक के मन में किस बात का डर था। दो नंबर, माखनपुर पढ़ने वाले बच्चों की टोली रास्ते में पड़ने वाले कुएं में ढेला क्यों फेंकती थी, क्योंकि वो बानर टोली थी। तीन नंबर, सांप ने फुसकार मारी और आगे क्या हुआ, ढेला जो मिट्टी का ढेला होता है उसे लगा या नहीं लगा उससे मतलब नहीं है, यह बात अब तक स्मरण नहीं, यह कथन लेखक के किस मनोदशा को स्पष्ट करती है, जब उसके हाथ से चिट्ठी गिर जाता है टोपी में से। चार नंबर, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय किया, सांप का ध्यान बांटने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधित साहित्य वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। सात नंबर, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता लगता है कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं। आठ नंबर, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी इतनी मिथ्या और उल्टी पड़ जाती है, उसका आशय स्पष्ट कीजिए इस बुक के माध्यम से। नौ नंबर, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए और बताइए ऐसा क्यों है। यहाँ पर अपना यह पाठ खत्म होता है। अगला पाठ है कुल्लूर कुम्हार की उनाकोटी, जिसको लिखने वाले के विक्रम सिंह, क्या नाम है, के विक्रम सिंह, जिसको हम तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको जो भी डाउट हो, जो भी पूछना हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको जो भी सलाह देना है, फीडबैक देना है, आप दे सकते हैं। अगर मेल चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मेल, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं।